तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी अपनी यूट्यूब चैनल यानी कि वाइट कोबरा गेमिंग्स में। पबजी मोबाइल के एक मज़ेदार और फुल फनी और ज़ोरदार इंटेंस फाइट वाले वीडियो के साथ एक बार फिर से। और आज के इस कस्टम रूम में 74 प्लेयर्स और 2525 टीम आ गई है भाई, अपनी गांड पे गुब्बारे बांध के भाई, और एक दूसरों पे वो सेव थ्रो कर रहे हैं भाई, और कुछ लोग है वर्कआउट करे। और पायलट ने वो जो है प्लान है चला दिया है, प्लान अपने पाथ पे चलता हुआ धीरे धीरे। प्लान पाथ है यासनाया से निकलता हुआ रोजोक स्कूल रुइंस घाट का से होकर सीधा जा रहा है बाहर क्वारी की तरफ जा रहा है। तब देखते हैं कौन सा प्लेयर और कौन सी टीम कहां पर उतरती है, कौन आज का चिकन डिनर लेके जाता है भाई। तो भाई प्लान है अपने रास्ते पे धीरे धीरे जा रहा है। 21 नंबर की टीम जेवी श्रीराम और हसमुख 002 41 टीम नंबर 21 के प्लेयर को इजेक्ट कर चुके हैं सेलबर की तरफ जाते हुए। टीम नंबर 12 एलबी कुणाल भाई ओपी शेख भाई जा रहे हैं यासनाया की तरफ जा रहे हैं। 17 नंबर के खिलाड़ी पारस भाई 1212 KM 5500 और जाला जय और ब्लैकी भाई 17 नंबर के प्लेयर जा रहे हैं भाई। किस तरफ जा रहे हैं पता नहीं है भाई, बिना कपड़ों के जा रहे हैं नंगे। 7 नंबर के प्लेयर भाई सिम्बा भाई भेड़िया एडी भाई सिम्बा भाई भी जा रहे हैं। 3 नंबर की टीम है भाई रोजोक में जा रही है भाई, उल्टे होके जा रहे हैं पकड़ी मार के भाई। तो टीम नंबर 1 वो भी रोजोक में उतरी है भाई। जी फायर भाई वहाँ पर अपनी वाइट कलर की चूटिया लेके वहाँ पर ही खड़े रह गए, पता नहीं एक नंबर के सारे प्लेयर है वो जो लूटने चले गए, एक नंबर के जी फायर भाई वहाँ पर खड़े रह गए, आई थिंक ऑफलाइन हो गए। नूब बादशाह 3 नंबर के प्लेयर भाई हार्दिक झापड़िया भाई वो बढ़िया से टोपी पहन के यार दिल्ली से ली हुई है टोपी भाई। वेस्टी मिल गई, UMP मिल गई है भाई। नूब बादशाह भाई को भी कुछ स्कॉर्पियन मिला है। 1 नंबर के प्लेयर को उजी मिल गई है भाई। RDX बोर्ड भाई को 1 KM और स्कारल दोनों मिल गए। अब देखते हैं कैसे फाइट होती है यहाँ पर। 2 नंबर की टीम 9 नंबर की टीम दोनों आसपास है। 2 नंबर के प्लेयर भाई अल्फा यमराज अल्फा साहिल भाई 2 नंबर की टीम है भाई, अल्फा टीम है भाई। अभी अल्फा टीम के प्लेयर भाई इधर उधर होते हुए अस्पताल लूट रहे हैं भाई, अस्पताल में भर्ती हो गए, कोरोना हो गया है क्या भाई। अल्फा साहिल भाई अस्पताल के ऊपर इधर उधर घूमते हुए M16 हाथ में लेके। और ये 14 नंबर की टीम स्पार्टन है भाई। 14 नंबर की टीम CBI विशाल भाई और 11 नंबर के खिलाड़ी LX भाई 47 ADS दे के बैठे हुए हैं। वो कौन सी गन है, शॉर्ट गन थी वो कौन सी, DBS का ADS खोल के बैठे थे। यहाँ पर 9 नंबर की टीम के प्लेयर भाई डार्क BK भाई अपनी बड़ी सी गांड लेके इधर उधर घूमते हुए, साहिल भाई भी छोटी सी गांड इधर उधर घूमते हुए, और अल्फा केशव भाई लगता है ज़्यादा दारू पी गए हैं। और 7 नंबर की टीम और सामने 17 नंबर के प्लेयर ब्लैकी भाई है। 2 प्लेयर तो वहाँ से जा चुके हैं आई थिंक, साला जय और पारस भाई वो वहाँ से निकल गए। और 7 नंबर के बिना नाम के प्लेयर भाई अपनी गांड पे तवा लगाए हुए दौड़ रहे हैं भाई। सिम्बा भाई यहाँ पर पिस्तल लेके खड़े हैं यहाँ वहाँ से भाई। भेड़िया एडी भाई हेल्थ बहुत कम है, दौड़ के आए। और ये 7 नंबर के बिना नाम के प्लेयर VSS हाथ में लेके दौड़ते हुए इधर उधर। और ये ब्लैकी भाई टीम नंबर 17 के प्लेयर एक ही बच्चे, और 17 नंबर के 2 प्लेयर तो वहाँ से भाग गए यार, छोड़ के भाग गए ब्लैकी भाई को, छोड़ के भाग गए। ब्लैकी भाई ने कहा यार रुक जाओ यार, मुझे तो लेते जाओ, मेरी फट रही है यहाँ पर। ब्लैकी भाई आड़ी गांड करके देख रहे हैं 7 नंबर के बिना नाम के प्लेयर को। अभी देखते हैं कैसे फाइट होती है दोनों के बीच। अभी ब्लैकी भाई वहाँ पर TPP लेके खड़े हैं 7 नंबर के बिना नाम के प्लेयर, और ये ब्लैकी भाई ने कर दिया है फायरिंग, मगर बिना नाम के प्लेयर बच के निकल गए। अभी वहाँ के अगेंस्ट ब्लैकी भाई गए और ब्लैकी भाई का गांड का गुब्बारा तोड़ दिया और पेट बना दिए भाई। यहाँ पर 9 नंबर की टीम और 14 नंबर की टीम आमने सामने आ गए। डार्क BK भाई है जो M16 के सिंगल टैप लगा रहे हैं 14 नंबर के उज्जी भाई को, और उज्जी भाई भी सामने M4 में 3XE लगा कर उनको भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सामने से भाई M16 के सिंगल टैप प्लेयर मतलब स्प्रे आते हुए और बच गए। और ये भाई LBJD भाई OP वो तो आगे निकल गए, बहुत रश करने की मतलब उनकी सोच है आई थिंक, बहुत गर्म प्लेयर है वो, चौड़ी गांड लेके दौड़ रहे हैं। यहाँ पर अल्फा कैसे हो पाए अस्पताल से भाई ऊपर खड़े DPE लेके, मगर उनकी भी गोलियों पे 2 गोलियाँ लग गई भाई, कौन सी गोलियाँ वो तो आप सोच लेना भाई। LBJD OP स्मोक डालते हुए स्मोक डाल दिया है भाई ने, स्मोक पाथ बना रहे हैं आई थिंक।
उज्जी भाई उधर से दौड़ के आ रहे, शुभ भोपी भाई उधर से सिर्फ पास ही हुए फिर भी उसकी गांड पे एक दो गोलियां लग गई, और डार्क बीके भाई हाथ में उज्जी ले लिया भाई ने, अभी रस आ रहा है उनको पता चल गया। राहुल ठाकुर भाई VSS ADS खोल के बैठे हुए VSS का भाई, अभी देखते हैं दोनों टीम बढ़िया टीम है, अभी दोनों के बीच कैसे फाइट होती है, किसकी गांड टूटती है, किसके गांड के गुब्बारे फट जाते हैं और किसकी पेटियां बनती है भाई। तो भी JD भाई का तो भाई गांड का गुब्बारा तोड़ दिया है इन्होंने, हवा जा रही है अभी, और बढ़िया से फाइट शुभ होती भाई दौड़ते हुए यहाँ पर डीके भाई को भी नॉक कर दिया है भाई। अभी डार्क वेनम भाई ने बढ़िया ADS का स्प्रे दिया कोप के बैरल का, अभी एक प्लेयर 9 नंबर की टीम का भी नॉक है, 9 नंबर के दो प्लेयर नॉक है, अभी CBA विशाल भाई चलाते हैं, और बढ़िया फाइट में LB शुभ ओपी ने भाई 9 नंबर की टीम के गांड के गुब्बारे तोड़ दिए और पेटियां भी बना दी है बढ़िया तरीके से भाई। 9 नंबर की टीम ने टीम को मार दिया है 14 नंबर की टीम ने, अभी 1 नंबर की टीम है चुराई हुई मर्सिडीज लेके जा रही है मॉडिफाई करवाई हुई, अभी रोजॉक से वो लोग एक बंदे को मार के आ गए इधर धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं। 19 नंबर की टीम ने भी फायरिंग कर दिया है 1 नंबर की टीम के ऊपर, फिर भी 1 नंबर के बंदे भाग रहे हैं वहाँ से, अभी गांठ फट गई है 1 नंबर की टीम की तो वहाँ से भाग रहे हैं। दोस्तों ये जो मैं कमेंटर बोल रहा हूँ वो आपको मतलब सुनने में थोड़ी गलत लगे तो यार सॉरी, ये मतलब सिर्फ फन के लिए है, मतलब एंटरटेन करने के लिए आप सभी को, तो प्लीज़ कोई बुरा मत लगाना। तो अभी 1 नंबर की टीम आ गई है भाई 19 नंबर की टीम के ऊपर रश करने के लिए घूम के, बैंच और अंप फायरिंग कर रहे हैं, अभी 1 नंबर की टीम आ गई है तो अब देखते हैं 1 नंबर की टीम और 19 नंबर की टीम आमने सामने आ गई है। 1 नंबर के टीम के प्लेयर ने सारों ने पोजीशन ले लिया है, स्काउट रहेगा भाई 19 नंबर के प्लेयर देख लिया है भाई 1 नंबर की टीम को, और 1 नंबर के एक प्लेयर तो हो चुके हैं नॉक, दूसरे भी नॉक हो चुके हैं भाई। तो अभी बढ़िया भाई रॉन्ग NDX भाई और रॉन्ग क्लोजी भाई, रॉन्ग क्लोजी भाई देखते हैं अब क्या करते हैं। RDX बोट तो नॉक पड़े हुए, बचा ले भाई मेरी गांठ टूट गई और वो तो मर गए भाई, पेटी बन गई अपने प्लेयर के सामने। हाइड्रा डायनामा लिखा हुआ है भाई ने, अभी रेंगते हुए जा रहे हैं, गांठ फट गई है, अभी अकेले बचे हुए वो बिग फायर भाई तो ऑफलाइन है आई थिंक, अभी रेंगते हुए जा रहे हैं अपनी गांठ छोटी सी कुटिया बचाते हुए। और ये 19 नंबर की टीम के प्लेयर एक भी प्लेयर अपनी पोजीशन रिलीज नहीं करते भाई, बढ़िया। यहाँ पर 3 नंबर के दो प्लेयर उमेश भाई बाहर गिरे, चार ओवर नूब बादशाह नॉक पड़े हुए और फिनिश वो हो जाएंगे आई थिंक, उज्जी भाई मारते हुए उन्हें DP से भाई। 17 नंबर की टीम वहाँ से निकलती हुई भाई गाड़ी लेके, पारस भाई और चाला जय भाई, अभी देखते हैं क्या होता है। तो भाई यहाँ पर हार्दिक भाई तो वहाँ से ओलो खोल के देख रहे, हार्दिक भाई की गांठ दो गोलियाँ लगी, हार्दिक भाई भाग गए घर के अंदर छुप गए बेड पे जाके उल्टी गांठ करके सो गए भाई। यहाँ पर 17 नंबर के दो प्लेयर भाई चाला जय और पारस भाई वहाँ से निकलते हुए गाड़ी लेके भाई, और पारस भाई ने फायरिंग भी किया, छोटा मोटा फायरिंग कर दिया पैंच गोलियाँ न लगे इसलिए। अभी 23 नंबर की टीम 12-04 और 4 नंबर की टीम आमने सामने आ गई है, दोनों बढ़िया टीम है, अभी देखते हैं बढ़िया फाइट होगी दोनों टीम के बीच, देखते किसकी गांड टूटते किसकी गांड के गुब्बारे टूटते और किसकी पेटियां बनती है। वो स्प्रे सोनू भाई 4 नंबर के प्लेयर अभी सिंगल टैप दे रहे हैं 23 नंबर के प्लेयर को भी मारने की कोशिश, मगर बच के भाग गए भाई सोनू भाई, अभी सिंगल टैप मारते हुए जिगर भाई के पास है मशीन गन भाई M249 है, देखते क्या होता है वो। यहाँ पर 15 नंबर की टीम पास ही में जेड पावेस, वो ये क्या है टाइसिप स्प्रे सोनू भाई, अभी 4X लगा कर और TP प्लेयर है अभी सभी प्लेयर। जितेंद्र भाई की गांड पे एक दो गोलियाँ पड़ी है तो बैंडेज लगा रहे हैं आई थिंक, कूलर पे लग गए दाएँ कूलर पे मिस्टर गोयल बॉम्ब लेकर। यहाँ पर रघुवंशी भाई ADS भी खोल कर रखा है भाई M4 में, और यहाँ पर जिगर भाई ने नॉक कर दिया, चार नंबर के प्लेयर सोनू भाई को नॉक कर दिया है भाई, स्प्रे सोनू भाई को भाई फाड़ दिए उनकी गांठ गुब्बारा तोड़ दिया है, मगर फिनिश नहीं कर पाया आई थिंक जिगर भाई। अभी M249 लोड करते हुए यहाँ पर रघुवंशी भाई बॉम्ब
ग्रेनेड डाल दिया भाई रघुवंशी भाई ने, उन्होंने सोचा वहाँ पर हो गए। और ये 19 नंबर की टीम पूरी की पूरी चारों के चारों लोग आ रहे हैं भाई, बग्गी और यूएस लेकर सीधी ठोक दिया भाई स्कूल अपार्टमेंट में। वहाँ पर 30 नंबर की टीम और 4 नंबर की टीम ऑलरेडी फाइट शुरू थी अभी, बढ़िया फाइट तो देखने को मिलेगी यार। और 4 नंबर के प्लेयर ने 19 नंबर के एक प्लेयर को नॉक कर दिया है बढ़िया तरीके से। अभी देखते बढ़िया डाल के दूसरे प्लेयर को, तीसरे को भी नॉक कर दिया 4 नंबर के प्लेयर भाई, कौन है भाई प्रफुल्ल भाई, बढ़िया अपने दान लगा के भाग गए भाई। फिर भी तीन प्लेयर को नॉक कर दिया भाई, 1v3 कर दिया है टीम को। अभी जितेंद्र भाई और वो टीम नंबर 23 अभी शांति से देख रहे हैं इनको। जिगर भाई तो जिगर भाई की गांड तोड़ दी है भाई। गुरोजा वर्सेस एक केम और स्प्रे सोनू भाई ने बढ़िया तरीके से जितेंद्र भाई को भी नॉक निकाल दिया है। रघुवंशी भाई एक ही बचे और सामने भाई 4 नंबर के प्लेयर स्प्रे सोनू एक ही बचे। अब देखते हैं क्या होता है 1v1 फाइट। और बढ़िया फाइट में भाई रघुवंशी भाई ने भाई 4 नंबर की टीम के लास्ट प्लेयर स्प्रे सोनू भाई को फिनिश कर दिया, गांड तोड़ दिए। अभी 19 नंबर की टीम के दो प्लेयर बचे हुए अभी वो रिवाइव होते हुए मतलब गुब्बारे को मतलब टांके लेते हुए, गांड के गुब्बारे फट गए हवा निकल रही है तो टांके लेते हैं अभी मिस्टर गोयल 12-04। यार बचा ले मेरी गांड फट गई है, बचा ले अपनी तवी जैसे गांड लेके देखो घूम रहे कैसे कूले सूझ गए उनके। जिगर भाई पैंच क्या कर रहे यार बचा लो। अभी यहाँ पर भी रिवाइव होने का काम शुरू है, वो पीछे 19 नंबर की टीम का रिवाइव होने का काम खत्म हो गया है। रॉन्ग क्लोजे पे दूर खड़े पैंच, वहाँ पर मत जाओ, यहाँ से टीपी पी लेके उसको मारते हैं ना यार। मगर 19 नंबर के वो दो प्लेयर है, दूसरे प्लेयर है आई एम द्वाइन भाई गुरु। बढ़िया फाइट में 19 नंबर के दोनों के दोनों प्लेयर को भाई नॉक कर दिया। लॉन्ग क्लोज पहले क्या कर ग्रेनेड डाल दिया है भाई ने, क्यूट करके डाला है मगर कोई फायदा नहीं। अभी रॉन्ग क्लोज भाई ये क्या, रॉन्ग क्लोज भाई की गांठ फट गई है भाई। अभी भाग रहे हैं वहाँ से अपनी गांठ बचा के, ऐसे हालात में आदमी मतलब अकेला था वन वी फोर था तो भाई भाग गए, वो डायलॉग है ना, ऐसे हालात में आदमी अगर अकेला हो तो अपनी जान बचा के भागना चाहिए। तो भाई रॉन्ग क्लोज भाई वहाँ से निकल लिया भाई हल्के हाथों से। यहाँ पर 15 नंबर के प्लेयर भाई पारा एक्स फायर ने भाई देख लिया मगर बग्गी लेके भाई रॉन्ग क्लोज भाई तो वहाँ से निकल गए भाई। 14 नंबर की टीम है रोजो की हिल पे भाई, टीम स्पार्टन एल बी स्पार्टन ओपी पे दौड़ते हुए इधर उधर। यहाँ पर 7 नंबर की टीम अंदर रोजो के अंदर है तो देखते हैं भाई दोनों टीम के बीच कैसे फाइट होती है। अगर दोस्तों आपको कमेंट्री एंजॉय हो रही है मतलब आप कमेंट्री एंजॉय कर रहे हो, हिंदी अभी थोड़ी मेरी कच्ची है तो फिर धीरे धीरे कर रहा हूँ, तो आप मतलब एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो के एक छोटी सी लाइक दे दीजिए। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको भी हमारे ऐसे कस्टमर में खेल रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। पबजी मोबाइल के डेली कस्टम होते हैं हमारे कस्टम मतलब ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज़ भाई नए हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर भाई रॉन्ग क्लोज भाई ने भाई 7 नंबर के बिना नाम के प्लेयर को भाई नॉक एंड फिनिश कर दिया है और फिर भाग गए वहाँ से भाई अकेला है तो फिर क्या करे भाई, नॉक फिनिश करके वहाँ से भाई निकल लिए। और 7 नंबर के प्लेयर मतलब दूसरे तीन प्लेयर वो अंतों की तरफ ढूंढ रहे उनको, रॉन्ग क्लोज भाई को भी CBI विशाल भाई। 14 नंबर की टीम 7 नंबर की टीम को मतलब स्पॉट कर रही है, कोशिश कर रहे हैं मारने की। सिम्बा भाई 7 नंबर के प्लेयर रॉन्ग क्लोज भाई तो इधर उधर होते हुए अपनी गांड छोटी सी गांड लेके इधर उधर घूमते हुए वहाँ से तो अपने प्लेयर को मतलब मरा हुआ छोड़ के भाग आए, मतलब भाग के आ गए। अब क्या करें, 1v4 था तो उनकी मतलब फट गई इसलिए भाग गए तो रॉन्ग क्लोज भाई। अभी आडी टेढ़ी गेंद करते हुए अभी भेड़िया एडी भाई बिना नाम के प्लेयर 7 नंबर के भाई सिर्फ चड्डी और बरा पहना हुआ है भाई। तो इधर उधर होते हुए भाई अंदर जाते हुए फिर भी स्प्रे लग गया और तुरंत प्रोन हो गए भाई, उल्टे पड़ के सो गए भाई। यहाँ पर LB शुभ ओपी भाई रॉन्ग क्लोज भाई बग्गी लेके जा रहे थे और बग्गी अटक गई पैंच पानी के बाहर ही अटक गई। अब 5 नंबर की टीम देख लीजिए, DJ ब्रावो प्रदीप भाई 7 88 और विनोद भाई
यहाँ पर टीम नंबर 23 और 15 नंबर की टीम दोनों के बीच में स्नाइपिंग बैटल चलता हुआ आई थिंक। पारा एक्स भाई ने दो बार जिगर भाई को नॉक कर दिया था भाई। यहाँ पर मिस्टर गोयल एमके में फोरेक्स लगा कर देख रहे हैं। यहाँ पर दो नंबर की टीम अल्फा दोनों रोजोक की तरफ बढ़ते हुए तीन प्लेयर है अल्फा के। वहाँ पर सात नंबर की टीम ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। अब तो अब देखते हैं 19 नंबर के प्लेयर रॉन्ग क्लोजे भाई। अब देखो ये सीन देख लो आप एक बार, दरवाजे दो बंदे अंदर आए और फायरिंग हो गए रॉन्ग क्लोजे भाई की, फिर से फट गए और अपनी गांड बचा के भाग गए। बढ़िया फायरिंग में भाई रॉन्ग क्लोजी भाई की पेटी बना दी, गांड का गुब्बारा तोड़ दिया, सारे वहाँ निकाल दिए भाई। अभी 14 नंबर की टीम और 8 नंबर की टीम और 2 नंबर की टीम सात नंबर के प्लेयर सिम्बा भाई ने भाई अल्फा साहिल भाई की गांड तोड़ दी है भाई, लाल कर दिए। और साहिल भाई आई थिंक फिनिश भी हो जाएंगे, देखते क्या होता है भाई। देते हुए 14 नंबर के प्लेयर शुभ ओपी को पीछे से भाई उनकी गांड पे एक AWM का खोपड़ी पे शॉट पड़ा और नॉक हो गए सिम्बा भाई, सॉरी सिम्बा भाई नहीं भेड़ी एडी भाई। अभी 14 नंबर की टीम भी धीरे धीरे मूव ऑन कर रही है जोन की तरफ, जोन बनाए रोजो के सामने के साइड मतलब वो पहाड़ों के ऊपर बनाया जोन। और यहाँ भाई भाई ने रश कर दिया 7 नंबर की टीम के ऊपर, 7 नंबर के बिना नाम के प्लेयर बढ़िया तरीके से भाई गेटिंग बना दी है भाई। 15 नंबर की टीम ने 7 नंबर की टीम को फिनिश कर दिया। यहाँ पर अभी 2 नंबर की टीम और भाई 14 नंबर की टीम का भी फायरिंग आ रहा है। 2 नंबर के प्लेयर अल्फा यमराज भाई ने भाई 15 नंबर के प्लेयर को नॉक कर दिया है, डाल दिया है। यहाँ पर 21 नंबर के प्लेयर जेविन शर्मा लिखा हुआ है भाई, 17 नंबर के प्लेयर को मारने की कोशिश और AKM से भाई 2x लगा के नॉक कर दिया है पारस भाई को 17 नंबर के प्लेयर। और यहाँ पर 21 नंबर के दूसरे प्लेयर भाई हसमुख भाई और अवि भाई अपनी गांड बचा के कमरे में भाई क्या कर रहे थे पता नहीं, कुछ खेल रहे थे, गांड गदामने खेल रहे हो गए आई थिंक। अभी उनका एक राउंड पूरा हो गया तो अपने प्लेयर के पास हेल्प करने के लिए जा रहे अवि भाई मारते हुए। प्लेयर AKM उनकी सिंगल हो गई थी फिर भी मार दिया भाई 17 नंबर के प्लेयर को, 21 नंबर की टीम ने भाई 17 नंबर की टीम को ऑल्ड आउट कर दिया है। तो पेटिया लूटने के लिए दौड़े पीछे से हसमुख पर गांड लेके कुदुक लगे दौड़ने। यहाँ पर 15 नंबर की टीम गाड़ी लेके जोन की तरफ निकल गए। 14 नंबर की टीम के उज्जी भाई उसके पास तो हेलमेट भी नहीं बचा है। यहाँ पर अल्फा DP का बढ़िया स्प्रे मार के भाई LB कुणाल OP भाई को नॉक कर दिया है। यहाँ पर 5 नंबर की टीम और 15 नंबर की टीम पास आ गई है, तो देखते हैं कैसे फाइट रहती है दोनों के बीच। यहाँ पर 21 नंबर के प्लेयर हसमुख भाई छोटे से गांड लेके इधर उधर दौड़ते हुए भाई प्रो है, हमारे कस्टम रूम के हर रोज के प्लेयर है, वो प्रो प्लेयर है हसमुख भाई और ये 412 OU भाई बढ़िया प्रो प्लेयर है। यहाँ पर 2 नंबर की टीम ने रश कर दिया। 14 नंबर की टीम स्पार्टन टीम अल्फा वर्सेस टीम स्पार्टन भाई केशव भाई ने 1v3 मतलब ऑल डेट कर दिया है। टीम स्पार्टन को 2v3 सिचुएशन बढ़िया तरीके से नॉक कर दिया है भाई टीम अल्फा ने टीम स्पार्टन को। यहाँ पर 5 नंबर की टीम के प्रदीप भाई को नॉक कर दिया 15 नंबर की टीम के प्लेयर ने। और जेड भावेश भाई ने बढ़िया स्प्रे डाल के भाई दूसरे प्लेयर को भी नॉक कर दिया है 5 नंबर की। और एक और प्लेयर को भी बढ़िया स्प्रे मार के भाई नॉक कर दिया 5 नंबर के 3 प्लेयर को नॉक कर दिया है भाई 15 नंबर की टीम ने भी। 5 नंबर के एक ही प्लेयर बचे विनोद भाई, वो दूर रेंगते हुए जा रहे हैं भाई। भैंसद मना किया था वहाँ पर मत रहो विनोद भाई ऐसे अपने प्लेयर को बोल रहे हैं, मगर विनोद भाई अभी बदला लेने के लिए तत्पर है अपनी टीम का 15 नंबर की टीम के पास से भाई। अब देखते हैं विनोद भाई क्या करते हैं, 15 नंबर की टीम को ऑल डेट करते या फिर वो मर जाते हैं। यहाँ पर 412 OU भाई 21 नंबर के प्लेयर AWM में भाई 8x हो रही है, हसमुख भाई ओग में 6x लगा कर मार रहे हैं 15 नंबर की टीम को। अभी भाई मारने की कोशिश AWM का हेड शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं मगर बार बार चूके जा रहे हैं भाई अभी भाई। तो अब देखते हैं ये लगा नहीं तो फिर AKM हाथ में लेनी है, AKM हाथ में लेते हुए बढ़िया स्प्रे डाला भाई। AKM का स्प्रे कैसे कवर होता है मतलब कंट्रोल होता है वो तो पता नहीं है। यहाँ पर
पाँच नंबर के प्लेयर विनोद भाई पीछे से आते हुए 15 नंबर की टीम के ऊपर हस करने के लिए। तो अब देखते हैं विनोद भाई ने पाँच नंबर के प्लेयर विनोद भाई ने फिनिश कर दिया है भाई। 15 नंबर के एक प्लेयर को जो ऑलरेडी नॉक पड़े हुए थे उनको फिनिश करके विनोद भाई वापस भाग गए अपनी गांड बचा के। और जेड पायस भाई को भी पीछे से गोलियां पड़ी यहां पर। 23 के चार प्लेयर अभी जिंदा है, फुल एडवांटेज में है टीम नंबर 23, मतलब टीम 12-04। तो अब देखते हैं क्या होता है, कौन आज का बढ़िया सा चिकन निकाल के ले जाता है भाई। दोस्तों हमारे कस्टम में कभी कभार कोई इवेंट भी आता है, मतलब टूर्नामेंट और वो सब होता है, तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। और ये सब होता है ना तो सब्सक्राइबर के लिए होता है। यहाँ पर अली भाई की बात कर दी और हमेश भाई को नॉक कर दिया है भाई। टीम नंबर 2 के प्लेयर वो दोनों ऑल डेड हो गए भाई। 21 नंबर की टीम यहाँ पर फिनिश होती हुई, 2 नंबर की टीम ने फिनिश कर दिया है। टीम अल्फा बढ़िया तरीके से अभी पानी के यहाँ पर अल्फा केसे ने डीपी का बढ़िया स्प्रे मार के भाई 23 नंबर के प्लेयर मिस्टर गोयल को नॉक कर दिया। यहाँ पर जितेंद्र भाई देख लिया है कि दो प्लेयर पानी के अंदर से आ रहे हैं, तो भाई फ्लैंग मार के चल दिए उधर मारने के लिए M4A6X साथ में। तो अब देखते हैं क्या करते हैं जितेंद्र भाई। जितेंद्र भाई ने बढ़िया स्प्रे मार के एक प्लेयर को तो नॉक कर दिया, दूसरे प्लेयर बच के पत्थर के पीछे चले गए। अभी अल्फा केशव भाई ने दूसरे प्लेयर जिगर भाई को भी नॉक कर दिया है बढ़िया तरीके से। और पीछे से भाई विनोद भाई ने वो गोयल भाई को भी केशव भाई ने नॉक किया था डीपी से भाई। केशव भाई बढ़िया स्प्रे मारते हैं भाई डीपी से। अभी नए प्लेयर है, अल्फा टीम नहीं आई है यहाँ पर। हमारे कस्टम ने भाई बढ़िया तरीके से रिवाइव भी कर लिया अल्फा यमराज को। अब देखते हैं जितना भाई वहाँ पर नॉक पड़े हुए हैं यहाँ पर। और केशव भाई एक एम लेके अब मार रहे हैं भाई रेड डॉट में, बढ़िया रिकॉइल उनका है। देखते हैं अल्फा यमराज भाई पीछे से फ्लैंग मार के चल रहे हैं। और 23 नंबर की टीम को तो ऑल डेड कर दिया है, मगर जोन के कारण उनकी चड्डी फट गई है भाई। अल्फा यमराज की चड्डी फट गई है, पीछे से बड़ा गाबड़ा हो गया है। 5 नंबर के प्लेयर एक ही बचे और सामने 2 प्लेयर है टीम अल्फा के, तो 1v2 सिचुएशन लास्ट में। तो अब देखते हैं कौन आज का बढ़िया सा चिकन डिनर निकाल के ले जाता है। आई थिंक टीम अल्फा ही ले जाएंगी क्योंकि दोनों बढ़िया प्लेयर हैं। यहाँ पर विनोद भाई भी हमारे प्रो प्लेयर है, हमारे कस्टम के काफ़ी पुराने प्लेयर है। और विनोद भाई ने ग्रेनेड डाल दिया है भाई टीम अल्फा के ऊपर। अब देखते हैं क्या होता है। और ग्रेनेड में भाई टीम अल्फा के यमराज भाई फट गए, पीछे से जोन का प्रेशर, तो टीम अल्फा को जोन के अंदर आना है। मार के भाई मार दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम नंबर 5 है, बढ़िया खेले और सारे प्लेयर बढ़िया खेले। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटी सी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे नए एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।